हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु शर्मा एंड दिस इज सिविल सेक्शन. वेलकम यू ऑल हेयर. फ्रेंड्स, आज है 9th मार्च 2019 और देखते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर वन की. पेज नंबर वन पर जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट्स 3 मेंबर पैनल टू मीडिएट इन अयोध्या डिस्प्यूट. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अयोध्या डिस्प्यूट जो है ये बहुत ही कंसर्न का मैटर है दो रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में, तो इसीलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर पैनल को अपॉइंट किया है जो कि अयोध्या डिस्प्यूट को मीडिएट करेगा, राइट? तो फ्रेंड्स, 5 जज बेंच जिसको लीड कर रहे थे हमारे CJI रंजन गोगोई, उन्होंने इस पैनल को अपॉइंट किया जिसके अंदर 3 मेंबर्स होंगे और उन 3 मेंबर्स में सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज FMI कलीफुल्ला जो कि इसके चेयरमैन होंगे, इसके अलावा श्री श्री रविशंकर जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं, इसके अलावा श्री राम पंचू जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, ये जो मीडिएशन है ये 1 हफ्ते के अंदर स्टार्ट हो जाएगी यूपी के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में और ये जो पूरा प्रोसेस होगा इसको कैमराज में रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी स्ट्रेस आउट किया कि ये जो प्रोसेस है ये एटमोस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी साथ में होना चाहिए, यानी कि मीडिया को ये बात बोली गई है कि जब तक प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तब तक मीडिया इसके ऊपर रिपोर्टिंग ना करे क्योंकि इससे डिस्प्यूट को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई ऑर्डर इशू नहीं किया है कि मीडिया को उसे दूरी रहना है. ये पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है मीडिएटर्स के ऊपर कि वो कितनी चीज़ को शेयर करना चाहते हैं और क्या शेयर नहीं करना चाहते, राइट? इसके अलावा ये जो मीडिएशन पैनल है इसको 8 वीक्स के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी. इसके अलावा 4 वीक्स के अंदर अंदर अपनी स्टेटस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा, राइट? तो फ्रेंड्स, थोड़ा जान लेते हैं कि जो 3 मेंबर्स हैं इनका बैकग्राउंड क्या है. तो फ्रेंड्स, पहले तो हैं जस्टिस FMI कलीफुल्ला. जस्टिस FMI कलीफुल्ला जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं और इन्होंने अपना लीगल करियर 1975 में स्टार्ट किया था. इसके बाद इनको मद्रास हाई कोर्ट में 2000 में अपॉइंट किया गया. उसके बाद इनको 2011 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया. उसके बाद 2012 में इनको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया और 2016 जुलाई में ये रिटायर हो गए थे, राइट? इसके बाद श्री राम पंचू, तो फ्रेंड्स ये एक सीनियर एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट में और ये एक्सपर्ट मीडिएटर भी हैं. इन्होंने 2005 में द मीडिएशन चैम्बर को फाउंड किया था. इसके अलावा ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन मीडिएटर के प्रेसिडेंट भी हैं और इंटरनेशनल मीडिएटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं. इन्होंने उस टाइम पर मीडिएशन किया था जब असम और नागालैंड के बीच में 500 स्क्वायर किलोमीटर का डिस्प्यूट चल रहा था, तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन के लिए इनको अपॉइंट किया था, राइट? उसके बाद हैं श्री श्री रविशंकर. तो फ्रेंड्स, ये एक स्पिरिचुअल लीडर हैं और ये पहले भी मीडिएशन की बात कर चुके हैं कि अयोध्या डिस्प्यूट में मीडिएशन के लिए रेडी थे, राइट? और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इमेज दी गई है ये उस टाइम की इमेज है जो कि December 6, 1992 में बाबरी मस्जिद को कार सेवक के थ्रू डिमोलिश किया जा रहा था, राइट? तो ये उस टाइम की ये इमेज है. इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्रोनोलॉजी दी हुई है कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो था हियरिंग का ये स्टार्ट हुआ था और कैसे कैसे पूरा प्रोसेस यहाँ तक पहुँचा. तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर लें कि ये हियरिंग कब कब हुई है, राइट? अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर 1 पर ही है और इसमें बात की गई है यू विल बी इन ट्रबल इफ एनीथिंग इज डन टू अरावली. तो फ्रेंड्स, इस न्यूज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट को इस चीज की डांट लगाई थी कि अरावली में जो इलीगल माइनिंग चल रही है उससे अरावली रेंजेस को बहुत नुकसान पहुंच रहा है. और अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि अरावली रेंजेस को अगर कुछ भी होता है तो हरियाणा गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत परेशानी हो सकती है, यानी कि ये ट्रबल में पड़ सकते हैं. तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट PLPA 1900 के अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया है जिससे कि वहां पर यानी अरावली रेंजेस में जो इलीगल माइनिंग्स हैं और जो बिल्डर्स हैं उनको कोई भी बेनिफिट हो. इसी के रेस्पॉन्ड में जो एक बेंच थी जिसको लीड करे थे जस्टिस अरुण मिश्रा, उन्होंने ये बात बोली है, राइट? तो फ्रेंड्स, ये मैटर क्या है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि अरावली रेंजेस बहुत गलत तरीके से इलीगल माइनिंग चल रही है और उसकी वजह से अरावली रेंजेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस पर बार बार अपना कंसर्न रेज कर चुका है. और अभी ये बात भी आ रही थी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक एक्ट था जिसको चेंज कर दिया गया था जिससे कि वहां पर जो इलीगल माइनर्स हैं और जो बिल्डर्स हैं उनको बेनिफिट हो. तो सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता वो इस चीज को प्रूव कर रहे थे कि इन्होंने कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया है. और इसी के रेस्पॉन्ड में जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये बात बोली है कि अगर अरावली रेंजेस को कुछ भी होता है तो वो ट्रबल में पड़ सकते हैं, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है उसको
ट्रबल फेस करनी पड़ सकती है, मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस न्यूज़ की और क्लैरिटी चाहिए तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हमने अरावली रेंजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ पर हैं और ये इश्यू क्या है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो पेज नंबर 1 पर ही है और इसमें बात की गई है, ओनली 3.32 लाख MSME जॉब्स क्रिएटेड इन लास्ट 4 ईयर्स, फाइंड CII सर्वे। तो फ्रेंड्स, MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने पिछले 4 सालों में सिर्फ 3,32,394 जॉब्स को ही क्रिएट किया है, जो कि लगभग पिछले 4 साल के कंपैरिजन में 13.9% ही ज़्यादा है। और ये जो सर्वे किया गया था, ये मोर देन 1 लाख कंपनीज के ऊपर किया गया था। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग माइक्रो एंटरप्राइजेज जो हैं, ये लार्जेस्ट जॉब जनरेटर्स हैं, यानी कि इन्होंने नेट 73% जॉब्स को क्रिएट किया है, राइट? इसके अलावा जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इन्होंने लगभग 23% जॉब्स क्रिएट किए हैं। इसके अलावा मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, इन्होंने 4% जॉब्स क्रिएट किए हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर में 12% जॉब्स क्रिएट हुए हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल एंड अपारल्स एंड मेटल प्रोडक्ट सेक्टर जो हैं, यानी इन सब ने जो जॉब क्रिएट किए हैं वो हैं 8%, राइट? इसके अलावा सर्वे में ये बात सामने आई है कि 3 स्टेट्स जो हैं उनमें 50% से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं, और वो स्टेट्स कौन कौन से हैं, वो है महाराष्ट्र, गुजरात एंड तेलंगाना। महाराष्ट्र में 29% जॉब्स क्रिएट हुई हैं, गुजरात में 14% और तेलंगाना में 10% जॉब्स जो हैं वो क्रिएट की गई हैं। इसके अलावा जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, इन्होंने जितनी भी जॉब्स क्रिएट हुई हैं उसमें 73% जॉब माइक्रो एंटरप्राइजेस ने ही क्रिएट की हैं, राइट? जो टॉप 8 स्टेट्स हैं जहां पर जॉब्स क्रिएट हुई हैं, उनमें लगभग 80% जॉब्स क्रिएट की गई हैं। इसके अलावा सर्वे में बात भी सामने आई है कि अगले 1 साल में, यानी नेक्स्ट 1 ईयर में, लगभग 5,70,804 जॉब्स जो हैं वो क्रिएट की जा सकती है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि लगभग 21% इंक्रीमेंट होगा, यानी 21% इंक्रीज होगा करंट एम्प्लॉयमेंट बेस से, राइट? अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो पेज नंबर 1 पर ही है और इसमें बात की गई है, राफेल डॉक्यूमेंट नॉट सोलन, एजी डज यू टर्न। तो फ्रेंड्स, हमने इस न्यूज़ को डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो हमारे अटॉर्नी जनरल है मिस्टर के वेणुगोपाल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोली थी कि राफेल डील से रिलेटेड बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चोरी हो गए हैं। लेकिन अभी उन्होंने यू टर्न लिया है, उन्होंने कहा है कि इनकी बात का गलत मतलब निकाला गया है। इनके कहने का मतलब ये था, जो पेपर पब्लिश किए गए हैं वो ओरिजिनल पेपर्स की फोटोकॉपीज हैं, जिनको गवर्नमेंट बहुत ही सीक्रेट समझती है और उनको पब्लिश किया गया है, इनके कहने का मतलब ये था, राइट? अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो पेज नंबर 7 पर है और इसमें बात की गई है, डू फॉरेस्ट सर्वे सेपरेटली। तो फ्रेंड्स, एक हाई पावर कमिटी जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं कि जो गवर्नमेंट की बाइनल एक्सरसाइज है, बाइनल का मतलब होता है 2 साल में जो एक्सरसाइज एक बार की जाती है उसको बोलते हैं बाइनल एक्सरसाइज, राइट? तो फ्रेंड्स, ये जो फॉरेस्ट सर्वे होता है 2 साल में एक बार किया जाता है, तो इस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए हैं कि जो फॉरेस्ट सर्वे किया जाता है ये सिर्फ फॉरेस्ट कवर पर ही किया जाना चाहिए, यानी कि अभी तक ऐसा होता है कि जो प्लांटेशंस हैं या प्राइवेट लैंड्स पर जो ट्रीज हैं उनको भी इसमें काउंट किया जाता है, राइट? तो इनका कहना ये है कि जहां पर सिर्फ फॉरेस्ट हैं उन्हीं को काउंट किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 में बात सामने आई थी कि 2015 से 2017 में जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है वो लगभग 0.21% तक राइज करता हुआ नजर आया है, और ये जो फॉरेस्ट सर्वे था इसको पब्लिक किया गया था फरवरी 2018 में, राइट? तो फ्रेंड्स, इंडिया का जो एम रहा है लगभग 1988 से, वो ये है कि इंडिया के जो फॉरेस्ट कवर है वो लगभग 33% एरिया पर होना चाहिए, यानी कि हमारे जो लैंड्स हैं उस पर 33% पार्ट में फॉरेस्ट होने चाहिए, और अभी ये जो फॉरेस्ट कवर पहुंचा है ये 21.53% तक ही पहुंच पाया है। और जब ये सर्वे किया जाता है उस टाइम पर जितने भी फॉरेस्ट हैं, इसके अलावा प्लांटेशन, ग्रीन लैंड्स, उन सबको असेस किया जाता है, राइट? थोड़ा यहाँ पे डाटा देखते हैं कि कब कब कितना कितना फॉरेस्ट कवर जो है हमारे यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गिवन है ईयर, राइट? तो यहाँ पे 2009, 11, 13, 15 और 17 में कितना कितना हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये है टोटल फॉरेस्ट कवर हमारा जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। इसके अलावा यहाँ पर परसेंटेज ये है, यानी कि पहले ये 2009 में 21.06 था, उसके बाद ये 21.05 हुआ, उसके बाद 21.23, 21.34%, उसके बाद 21.53%, यानी कि
2017 की जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई थी उसमें हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, राइट। तो फ्रेंड्स, इंडिया का जो एम है 1988 से वो लगभग ये है कि इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए लगभग 33% पार्ट पर होना चाहिए, और अभी 2017 में 21.53% तक ही पहुंच पाया है, राइट। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर 7 पर है, और इसमें बात की गई है कैंसर ड्रग्स 87% चीपर आफ्टर ट्रेड मार्जिन कैप। तो फ्रेंड्स, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने लगभग 390 ड्रग्स को अपनी वेबसाइट पर पुट किया है, यानी कि इनकी पूरी लिस्ट को पब्लिश किया गया है, जिसमें अब जो कैंसर ड्रग्स हैं उनका जो प्राइस है वो लगभग 87% तक सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर ट्रेड मार्जिन कैप लगाया गया है, यानी कि इनके जो रेट्स हैं उनको सस्ता किया गया है, उनको कम किया गया है, राइट। तो फ्रेंड्स, 27 फरवरी 2019 को NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने लगभग 42 एंटी कैंसर ड्रग्स को 30% ट्रेड मार्जिन कैप के नीचे रखा है, और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स और हॉस्पिटल्स हैं उनको डायरेक्ट किया है कि वो अपनी MRP को रिवाइज करें, राइट। तो फ्रेंड्स, 426 ब्रांड्स जो हैं जिनको मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं उसमें से लगभग 390 ब्रांड्स ऐसे हैं, यानी कि 91% ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके प्राइस को रिवाइज किया जाएगा, यानी कि इसमें जो प्राइस है उसको डाउन किया जाएगा, राइट। तो इससे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा जो NPPA है उसके अकॉर्डिंग लगभग 38 मेडिसिन ऐसी हैं जिनके प्राइस में 75% या इससे ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगा, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 7 पर है, और इसमें बात की गई है गडकरी फ्लैग्स ऑफ प्रोजेक्ट फॉर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो फ्रेंड्स, हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जो हैं उन्होंने फ्राइडे को फाउंडेशन स्टोन रखा 1320 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का, जिसकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट आने की उम्मीद है लगभग 90,000 करोड़ रुपीज़, और इसको 2022 तक डेवलप कर लिया जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे का एम होगा दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर जो कि NH8 है उसको डीकंजेस्ट करना, राइट। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये लगभग दोनों सिटीज़ के बीच में 150 किलोमीटर की डिस्टेंस को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा ये जो एक्सप्रेसवे है ये दिल्ली और जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जैसे कि कोटा, भोपाल, इंदौर, इनका डिस्टेंस भी लगभग 100 किलोमीटर तक रिड्यूस कर देगा। तो फ्रेंड्स, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे जो है ये 5 phases में बिल्ड किया जाएगा। इसके अलावा जो वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे है इसको 3 phases में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, यानी कि दिल्ली वडोदरा जो है इसको 5 phases में और वडोदरा मुंबई जो है इसको 3 phases में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसके अलावा मिस्टर गडकरी और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली और हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं सुषमा स्वराज, उन्होंने 8-lane एक्सेस कंट्रोल द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए भी फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा है। तो फ्रेंड्स, ये जो 29 किलोमीटर लॉन्ग रोड है ये दिल्ली और हरियाणा से होकर निकलेगा। इसके अलावा ये एक अल्टरनेटिव लिंक होगा NH8 की तरफ जो कि कनेक्ट करेगा दिल्ली और गुड़गांव के रोड को भी, राइट। इसके अलावा ये वेस्टर्न दिल्ली और हरियाणा के कुछ पार्ट को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करेगा, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर 11 पर है, और इसमें बात की गई है US wants more irreversible action on terror from Pakistan। तो फ्रेंड्स, US चाहता है कि पाकिस्तान अपने यहाँ पर जो टेरर ग्रुप्स है उनके अगेंस्ट में और ज़्यादा इरिवर्सिबल एक्शन ले। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने लगभग 44 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया है अपने यहाँ पर जो कि टेरर ग्रुप से कनेक्टेड हैं, लेकिन US चाहता है कि पाकिस्तान अभी और ज़्यादा सस्टेन और इरिवर्सिबल एक्शन उसके अगेंस्ट में ले। लेकिन इंडिया हमेशा से ही इस चीज़ को लेकर ससेप्टिकल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ऐसा करता है कि जो टेरर ग्रुप्स हैं उनकी असेट्स को फ्रीज करने के बाद फिर से रिलीज़ कर देता है। इसके अलावा जिनको वो अरेस्ट करता है उनको बाद में रिलीज़ कर देता है। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर, जिसने हमारे यहाँ पर पुलवामा अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उसको भी डिटेन नहीं किया है। और जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जमात उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन का चीफ हाफिज सईद, जो हमारे यहाँ पर 2008 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, मुंबई अटैक हुआ था, उसका मास्टरमाइंड भी है, उसको भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया। इसको अरेस्ट किया गया था, हाउस अरेस्ट किया था, लेकिन नवंबर 2017 में उसको भी रिलीज कर दिया था। इसीलिए इंडिया को पाकिस्तान के बारे में ट्रस्ट नहीं है, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर 18 पर है, और इसमें बात की गई है नासा कैप्चर्स फर्स्ट एयर टू एयर इमेजेस ऑफ सुपरसोनिक शॉक वेव्स। तो फ्रेंड्स, नासा ने फर्स्ट टाइम एयर टू एयर सुपरसोनिक शॉक वेव्स की इमेजेस को कैप्चर किया है। तो फ्रेंड्स, अपनी एक रिसर्च के दौरान नासा ने ऐसी शॉक वेव्स को कैप्चर किया है जो कि दो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की थी, यानी कि दोनों सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो थे ये साउंड की स्पीड से भी तेज से फ्लाई कर सकते हैं।
और उस टाइम पर जो वेव्स निकली थी उनको नासा ने कैप्चर किया है। तो ये जो डाटा है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस चीज़ को समझने में कि किस तरीके से जो शॉक्स होते हैं वो एक दूसरे साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सोनिक बूम्स होते हैं ये जो प्रेशर होता है ये जो वेव्स होती हैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। यानी लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता ही है, साथ में ये डैमेज भी करता है, जैसे कि विंडोज़ को शटर कर देना यानी विंडोज़ को तोड़ देना, राइट। तो इसीलिए ये लैंड के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, इनको इनको यूज़ नहीं कर सकते लैंड के ऊपर। लेकिन अभी जब पता चलेगा कि ये जो सुपरसोनिक वेव्स हैं किस तरीके से एक्ट करती हैं तो इससे ये समझने में आसानी रहेगी कि शॉक्स इंटरेक्ट कैसे करते हैं और इनको कैसे कम किया जा सकता है, इनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ में ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो देखने में कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट को हमसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से पूछ सकते हैं। जैसे कि आप अपने डाउट हमसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @civilsection। आप अपने डाउट हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है civilsection2018@gmail.com। इसके अलावा आप अपने डाउट हमारी वेबसाइट पर भी पुट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है www.civilsection.com। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।